even get to cross. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो जैसा कि आपने पढ़ी लिया, मैं तारक मेहता शो के फेमस एक्टर्स की फैमिलीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अय्यर के बारे में, जिनका रोल तनुज नाम के एक्टर प्ले करते हैं। तो अय्यर बबीता जी के हस्बैंड हैं, जैसे आपको पता ही है। उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो उनके असली रियल लाइफ के माता और पिता हैं। और जो अगली फ़ोटोज़ में अब आपको दिखाऊँगा मैं, हाँ, ये वाली फ़ोटो में वो अपने रियल ब्रदर के साथ खड़े हैं। तो तनुज की ये असली फैमिली है। अब बढ़ते हैं अगले पे। तो अब बात कर लेते हैं सोनालिका जोशी की, जो कि एक्ट्रेस का नाम है, जो माधवी भिड़े का रोल प्ले करती हैं, यानी कि आत्माराम भिड़े की पत्नी का रोल प्ले करती हैं शो में। तो उनकी फैमिली आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। उनके हस्बैंड हैं जिनका नाम है समीर जोशी, और उनकी दो डॉटर्स हैं, और एक डॉटर आपको इस फोटो में दिख रही है। तो एक डॉटर का नाम है आर्या और दूसरी डॉटर का नाम है अनन्या। तो ये है माधवी भिड़े यानी कि सोनालिका जोशी की रियल लाइफ फैमिली। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो अब बात कर लेते हैं जेनिफर मिस्ट्री के बारे में, जिनको आप जानते ही हैं, जो कि शो में सोडी की वाइफ यानी कि मिसेज रोशन सिंह सोडी का रोल प्ले करती हैं, उनकी वाइफ का रोल प्ले करती हैं। तो रियल लाइफ में भी इनकी शादी हो चुकी है और इनकी एक डॉटर है। ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली मैरिड हैं और लॉकडाउन में अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारने की कोशिश कर रही हैं और अपनी डॉटर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की चाहत रखती हैं। तो अब बात करते हैं जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता के बारे में। तारक मेहता का रोल जो प्ले करते हैं शो में, उनका रियल लाइफ में नेम है शैलेश लोधा, और उनकी भी शादी हुई हुई है, और उनकी वाइफ का नाम है स्वाति और उनकी एक डॉटर भी है। वो अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और लॉकडाउन में वो भी अपना टाइम पूरा फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और टीवी शो के जैसे ही जैसे शो में वो आर्टिकल राइट करते हैं, राइटर हैं, तो वैसे ही वो असल ज़िंदगी में भी, वैसे एक्टर तो है ही और साथ में राइटर भी है। तो उनकी फैमिली की पिकअप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो अब बात करते हैं कोमल हंसराज हाथी के बारे में, जो कि शो में डॉक्टर हाथी की पत्नी का रोल प्ले करती हैं। तो आप उनकी फैमिली की फ़ोटो देख सकते हैं, वो अपने दो बच्चों के साथ, उनकी फ़ोटो आप देख ही सकते हैं, और वो अपने हस्बैंड के साथ रिजाइड करती हैं और अपने दो बच्चों के साथ। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये उन्होंने वेकेशन पे जब गए थे वो अपने हस्बैंड के साथ खिंचाई हुई है। तो ये है कोमल हाथी की रियल फैमिली। तो अब बात करते हैं बबीता जी के बारे में, जो कि शो में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किरदार प्ले करती हैं। उनका असली नाम है मुनमुन दत्ता, और आपने उनको इंस्टाग्राम वगैरह पर तो वो हर रोज़ फेमस हुई ही रहती हैं अपने किसी ना किसी स्टेटमेंट के कारण। तो उनकी फैमिली के बारे में अगर बात करूं, तो वो उनके फादर नहीं रहे इस दुनिया में, और वो अपनी मदर के साथ रहती हैं। आप उनकी मदर की फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनकी अभी शादी नहीं हुई है, और उन्होंने अभी अपना रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्होंने यही कहा है कि वो सिंगल हैं और अभी उनकी शादी के कोई प्लान्स नहीं हैं। तो
तो अब बात करते हैं पोपट लाल के बारे में। तो पोपट का किरदार जो प्ले करते हैं उनका असल में नाम है श्याम पाठक। तो जब भी हम पोपट लाल करेक्टर का नाम सुनते हैं तभी हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है जो कि है शादी, क्योंकि तारक मेहता में उनकी स्टार्टिंग से ही 10 सालों से जब तक जब से शो चल रहा है उनकी शादी नहीं हो रही है और वो बार बार शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन असली ज़िंदगी में उनकी शादी हुई हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनकी शादी और 3 बच्चे भी हैं उनके। तो ये है पोपट लाल की असली फैमिली, रियल लाइफ फैमिली, जो कि रियल लाइफ फैमिली से बिल्कुल अलग है। तो अब हम अगले पे बढ़ते हैं। तो अब मंदार चंदवादकर के बारे में बात करते हैं, यानी कि उनका असली नेम है, जो कि आत्माराम भिड़े का रोल प्ले करते हैं शो में। जब भी वो शो में आते हैं एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं और वो शो में सोसाइटी के सेक्रेटरी बने हुए हैं। जैसा कि शो में वो एक डॉटर के पिता हैं लेकिन असली लाइफ में बिल्कुल उल्टा है, वो उनका एक बेटा है और वो एक सन है, उनका कोई डॉटर नहीं है और उनकी वाइफ का नाम है स्नेहा चंदवादकर। तो हम चलते हैं अपने अगले एक्टर पर। हालांकि बागा का करैक्टर शो में काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स के बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन फिर भी ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा फेमस बन गया था। शो में बागा के ट्रैक्स जो ओल्ड एपिसोड्स में हैं वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी होते हैं। तो बागा की फैमिली के बारे में बात करें तो आप स्क्रीन पर उनकी फैमिली को देख ही सकते हैं। तो ये थी बागा की फैमिली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्टर पर। तो अब बात कर लेते हैं अब्दुल के बारे में। अब्दुल वो है जिसकी गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर शॉप है और रात में सारे सोडा पीने आते हैं इसी की दुकान पे। तो उसकी फैमिली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी ये छोटी सी बहुत ही प्यारी फैमिली है। तो अब बात करते हैं शो की मेन फीमेल लीड के बारे में, जो कि आपको पता ही है दिशा वकानी है, जिन्होंने दयाबेन का रोल प्ले किया है पिछले 10 सालों से भी ऊपर से रोल प्ले कर रही हैं। तो उनकी शादी हो गई थी 2015 में, यानी कि अब से 5 साल पहले, और उनके हस्बैंड का नाम है मयूर। 2017 में यानी कि शादी के 2 साल बाद उन्होंने बर्थ दिया एक डॉटर को, एक बेबी गर्ल चाइल्ड को, जिसकी प्रेगनेंसी के कारण वो काफ़ी देर तक शो से दूर भी रही थी और अभी भी ये सब चीज़ों करके अपनी बेबी का ध्यान रखने के लिए वो शो से दूर रह रही हैं और शो पे दया का रोल प्ले नहीं कर रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं भव्य गांधी को, जो कि आपको पता ही है कि तारक मेहता में पहला जो टप्पू हुआ करता था, जो कि बचपन से टप्पू का रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो असली टप्पू थे उनके बारे में बात करते हैं, जिनको अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले राज नाम के लड़के ने रिप्लेस कर दिया था टप्पू के किरदार में। तो टप्पू का किरदार काफ़ी लोगों को पसंद था और उसकी फैमिली आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं इस फोटो में। तो अब बात कर लेते हैं चंपकलाल गड़ा के बारे में, जो कि शो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जेठालाल के फादर का रोल प्ले करते हैं। वो पहले FIR में भी आए करते थे और वहाँ से भी फेमस हुए थे और फिर तारक मेहता में भी फेमस हो गए थे। तो उनका रियल नाम है अमित भट्ट, वो बिल्कुल मैरिड हैं और हाँ, वो जैसे जितनी एज उनकी शो में दिखाई गई है उनकी एज इतनी नहीं है, वैसा आपको पता ही होगा शायद। तो वो मैरिड हैं और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2 ट्विन्स हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं और जो उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं दोनों ही टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। तो ये तो थी अमित भट्ट की फैमिली। तो अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, इन्हें तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जेठालाल इतना ज़्यादा फेमस नाम हो चुका है और इतना ज़्यादा फेमस करेक्टर है, जो कि घर घर में मशहूर है और सभी को पता ही होता है। जेठालाल सीरियल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा करेक्टर भी है। तो जेठालाल का रोल प्ले करते हैं, उनका असली में नाम है दिलीप जोशी और दिलीप जोशी की फैमिली में उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी वाइफ का नाम है जयमला जोशी और
तो दिलीप जोशी की एक डॉटर है और एक सन है। उनकी डॉटर सन ज़्यादा छोटे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हैं। और इस फोटो में आप देख ही सकते हैं दिलीप जोशी अपनी वाइफ जयमला जोशी और अपने बेटे के साथ खड़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोटो है और ये थी इनकी फैमिली। तो अब बात करते हैं सुंदरलाल के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर हैं और दया का भाई, दया के भाई का रोल प्ले करते हैं। तो आप उनकी, वो मैरिड हैं और आप उनकी वाइफ के साथ उनकी फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बस गाइस, मैंने कोशिश यही की है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा रख पाऊँ और जितने ज़्यादा एक्टर्स कवर कर पाऊँ मैंने किए। अगर मैं इसका पार्ट टू भी बना दूंगा अगर अच्छा रिस्पांस आया, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना ताकि मैं मोटिवेट हूँ ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ मेरे आप तक पहुँचते रहें। ऐसे यूनिक सब टीवी के और तारक मेहता के स्पेशल वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते ही रहेंगे और लेटेस्ट टीवी शोज़ की न्यूज़ भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर देना ऐसे और यूनिक वगैरह वीडियोस के लिए भी। ऑल्सो हमारे चैनल पे एक गिव अवे होने वाला है जिसकी अनाउंसमेंट मैं जल्दी करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।